हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज मैं अपना वीडियो शेयर करने जा रही हूं कि माय पर्सनल सी सेक्शन एक्सपीरियंस। जी हां, कि मेरा जो सी सेक्शन हुआ था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या पेनफुल था या नहीं था, या फिर लोग जो कहते हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी के पेन से बचने के लिए हम सी सेक्शन ऑप्शन चूज़ करते हैं, क्या वो सही है या नहीं सही है। और आपको मेरे फेस पे थोड़ा सा मेकअप दिख रहा होगा, बिकॉज आज मेरे यहाँ कथा थी। हमारे यहाँ जब सवा महीना कंप्लीट हो जाता है तो एक कथा होती है, तो वो था, तो इसलिए थोड़ा बहुत था। और बस अभी मैं थोड़ी सी फ्री थी अभी, क्योंकि बेबी जो है वो सो रही थी, तो मुझे लगा कि चलो आज मैं ये वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोग के साथ शेयर करना था। सी सेक्शन के पहले क्या क्या होता है, मतलब कि क्या प्रोसेस होती है, सब कुछ वो उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ जब मेरा बेबी डिलीवर हो गया उसके बाद का क्या मतलब प्रोसेस था और क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्या ये पेनफुल होता है या नहीं होता है। तो देखिए, जैसा मेरा बेबी डिलीवर हुआ, सब कुछ हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि आपको बेबी गर्ल हुई है ये वो, फिर उसके बाद लगभग 15-20 मिनट तक वो लोग अपना कुछ कर रहे थे, जो भी स्टिचेस को सिलने वाला काम था वो अपना वो कर रहे थे। और फिर मुझे लगता है 15-20 मिनट के बाद वो काम ख़त्म हो गया उनका। और फिर कुछ देर मैं वहीं पे लेटी हुई थी, हो सकता है वो लोग किसी का वेट कर रहे थे, ताकि मैं जिस उस पे बेड पे लेटी हुई थी उससे मुझे दूसरे बेड पे शिफ्ट करना था, तो उसके लिए वो लोग किसी का वेट कर रहे थे। और उसी के बीच में उन्होंने मुझे क्या कहते हैं कि नीचे पैड वेड लगाया, वो सब लगाया, इतना मुझे पता चल रहा था, क्योंकि वो लोग जिस तरह मुझे दर्द नहीं हो रहा था उस समय, पेन नहीं हो रहा था, बट वो लोग वो काम कर रहे थे, मुझे इसका आइडिया लग रहा था। तो वो सब चीज़ें हुई, फिर मैं 10 मिनट तक वहीं पे लेटी हुई थी, तो क्योंकि वो लोग बातें कर रहे थे तो मैं सुन रही थी, तो शायद वो लोग किसी का वेट कर रहे थे कि वो आएंगे तो फिर हम इन्हें दूसरे बेड पे शिफ्ट करेंगे। फिर शायद वो कोई आया नहीं, लेट हो रहा था, तो जो वहाँ पे और सब सिस्टर लोग थी उन लोगों ने ही मुझे एक बेड से दूसरे बेड पे शिफ्ट किया। और उस शिफ्ट करने में भी मुझे कुछ भी पेन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी जो थी वो तब तक सुन्न थी। और फिर मुझे उस दूसरे बेड पे शिफ्ट करके वो लोग मुझे एक ऑब्जर्वेशन रूम था वहाँ पे लेके गए, और वहाँ पे मुझे रखा वहाँ पे। और बाकी जो ड्रिप व्रिप थी ना वो सब मेरी लगातार चल ही रही थी। और मुझे उस जो ऑब्जर्वेशन रूम जहाँ पे था, जब मुझे कुछ देर के लिए रखा गया वहाँ पे, वहाँ पे मुझे लगता है कि मैं 1 से 1.5 घंटे तक मैं वहाँ पे थी। बल्कि मैं बार बार पूछ रही थी कि आप मुझे मेरे रूम में कब शिफ्ट करेंगे, बट मैं 1 से 1.5 घंटे तक वहाँ पे थी। और जो मेरे पेट में नीचे जलन, ठंडा थोड़ा सा महसूस होना, वो सब मुझे वहीं पे कुछ देर, मतलब कि मैं 1 घंटे के बाद मुझे लगता है वो स्टार्ट हो गया था। जी हाँ, मैं जिस रूम में थी जिसमें उन्होंने मुझे रखा हुआ था पहले, वहाँ पे मतलब 1.5 घंटे तक तो मैं ठीक थी, मुझे कुछ भी नहीं पता चला था। बट उसके बाद मुझे नीचे पेट थोड़ी सी सेंसेशन टाइप की, मतलब कि थोड़ा सा ठंडा फील हो रहा है, या फिर एक आध बार लग रहा था कि नहीं थोड़ा सा जल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये सब मुझे फील होना वहीं पर स्टार्ट हो गया। और मेरे अंदर एक डर स्टार्ट हो गया कि बस अब पेन स्टार्ट होगा, जो आफ्टर डिलीवरी पेन सी सेक्शन का होता है वो अब स्टार्ट होगा। बट उतना अभी नहीं था, अभी बहुत मिनिमम था, मतलब कि बस हाँ, अगर ध्यान जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि नीचे कुछ फील हो रहा है। और बाकी वहीं पे एक एक करके मेरे घर वालों को भेजा जा रहा था कि आप जाके मिल लीजिए, अभी वो वहाँ पे हैं। तो सब लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, और मैं थोड़ा सा इमोशनल थी, ये मैंने अपने वीडियो में पहले की वीडियो में बताया हुआ है, तो थोड़ा सा इमोशनल मैं थी। बाकी वहाँ पे पेन नहीं हुआ। फिर वहाँ से 1 से 1.5 घंटे के बाद मेरे हस्बैंड को बुलाया गया, कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ साइन होते हैं, वो साइन इन कराया गया, और फिर जाके मुझे मेरे रूम में शिफ्ट किया गया। जो मेरा रूम हॉस्पिटल में था वहाँ पे जाके मुझे शिफ्ट किया गया, और वहाँ पे भी मुझे एक स्ट्रेचर्स होते हैं उस पे जो लेके गए थे, उससे मुझे दूसरे बेड पे शिफ्ट किया गया। और उस शिफ्ट करने में, मतलब जब मुझे उठा के उस पर रखा गया ना, क्योंकि टाइम मेरा लगभग 1.5 से 2 घंटे मतलब हो चुके थे, सब कुछ हुए 2 से 2.5 घंटे मुझे लगता है ये हो चुके थे। और जब मुझे उस बेड से उठा के दूसरे पे शिफ्ट उस पर किया ना, और जब रखा, तो मुझे जैसे उस समय लगा कि नहीं बाकी नहीं, ये पेन थोड़ा सा ज़्यादा था, बट तब भी ठीक था, तब भी मतलब कि सहने लायक था। फिर मैं वहाँ रही, सब लोग मतलब नॉर्मल ही थे, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं थी कि बहुत एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा बोल रही थी, ऐसा नहीं था, मैं थोड़ी सी स्लो फील कर रही थी, थोड़ा सा सुस्त महसूस कर रही थी कि नहीं, मैं उतनी एक्टिव अपने आप को नहीं फील कर रही थी। और जैसे जैसे 1.5 घंटे और बीते, वो नीचे का पेन जो है मुझे फील होना स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे पर मिनट, मतलब कि पर 5 मिनट, मतलब जैसे जैसे मिनट बीत रहे थे ना, वैसे वैसे वो पेन बढ़ता जा रहा था, और मेरे वो बर्दाश्त के धीरे धीरे बाहर हो रहा था। पर हाँ,
तब भी मुझे लगता है कि मैं 3:30-4 बजे तीन बजे तक मैं अपने रूम में शिफ्ट हो गई थी और लगभग 4 बजे तक वो पेन बढ़ रहा था, लेकिन हाँ इतना था कि मैं सह रही थी, उस समय तक मैं सह रही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं चिल्ला रही हूँ, नहीं, क्योंकि साथ साथ में वो ड्रिप भी चल रही थी, तो मुझे लगता उसमें उन्होंने एक पेन उन मतलब कि उसको रिलीफ देने के लिए भी वो ड्रिप चला रहे थे। 4 बजे तक भी मैं ठीक थी, 4:30 तक और पेन धीरे धीरे बढ़, 5:00 और 6:00 जाते जाते मतलब मुझे लगा कि नहीं ये पेन असहनीय हो रहा है, अब ये पेन मुझसे सहन नहीं जा रहा है। फिर वो बीच में कोई एक सिस्टर आई और उन्होंने कोई एक छोटी सी और ड्रिप कोई चढ़ाई अलग से, क्योंकि जो मेरी ड्रिप चढ़ रही थी उसको निकाल के उन्होंने फिर दूसरी चढ़ाई, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको उन्होंने चढ़ाया, मतलब उसको चढ़ाया तो मुझे लगता है मुझे कि आधा एक घंटे थोड़ा सा रिलीफ मिला। अभी जैसे रिलीफ मिला था कि वो ड्रिप ख़त्म हो गई, और जैसे मुझे क्या लग रहा था कि वो ड्रिप ख़त्म हो रही है, मेरा पेन मतलब कि फिर से वैसे ही हो रहा है, क्योंकि पेन मेरा बढ़ता जा रहा था और वो असहनीय होता जा रहा था। और रात के 8-9 बजते मतलब ऐसा हो गया था कि बस मैं, मेरी आँख से बस आंसू नहीं गिर रहे थे, बस मैं चिल्ला नहीं रही थी, बस यही था, बाकी पेन मेरा बढ़ता जा रहा था। मुझे नहीं पता, हो सकता बहुत लोगों को नहीं होता होगा उतना पेन, बट मुझे वो रात होते होते मुझे मतलब कि नींद नहीं आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, बस मेरा पेन वो बढ़ रहा था। और जो भी मुझे डॉक्टर वहाँ की थी, सब कोई भी था जो मेरा BP सब चेक करने आ रहे थे, मैं उनसे सिर्फ यही कर रही थी कि मैम मुझे बहुत पेन हो रहा है। अब वो लोग भी बस यही कर रहे थे कि मैम हम आपको पेन किलर बहुत ज़्यादा चढ़ा चुके हैं, इससे ज़्यादा अब हम कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा तो पेन आपको सहना पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, किसी तरह एक एक घंटे बीत रहे हैं। फिर रात के 12 बज गए और उस समय ऐसा लगा कि बस मैं अब सही नहीं सकती हूँ, मतलब ऐसा मुझे फील हुआ कि मैं ये पेन अब नहीं बियर कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मेरी मदर मेरे साथ रुकी हुई थी, तो वो जाके बाहर बोली कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। फिर वो लोग आई, फिर कोई एक चीज़ लगाया, कुछ ड्रिप चढ़ाया, फिर चली गई, लेकिन मुझे कुछ भी असर नहीं हो रहा था, मुझे वो पेन वैसे ही हो रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ चली जाऊँ। फिर रात के लगभग 12:30-1 बजे के बाद कोई एक सिस्टर आई और उन्होंने मेरे कमर में एक इंजेक्शन दिया, मुझे कमर में वो इंजेक्शन दिया। और उसके इंजेक्शन के लगभग आधे घंटे बाद मैं एकदम नींद में चली गई और थोड़ा पेन में मुझे रिलीफ मिला, तभी मैं सो पाई, वरना मैं सो भी नहीं पाती। और तब मुझे जाके थोड़ा सा आराम मिला और मैं सुबह तक सोई, 6 बजे तक 7 बजे तक सोई। और तभी सुबह के नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो एक सिस्टर आ गई वहाँ पे कपड़े उपड़े चेंज कराने के लिए, आपको ब्रश कराने के लिए, सब कुछ कराने के लिए, करवट दिलवाने के लिए। और मैं उसमें नींद, जब उन्होंने बोला कि अब आपको कपड़े चेंज करवाने हैं और आप उठ के बैठिए, मैंने कहा उठ के बैठिए, मैं हिल नहीं सकती हूँ, मैं उठ के बैठूँगी कैसे? उन्होंने कहा करना पड़ेगा, अभी आप बैठ नहीं सकती, अभी आपको डॉक्टर आएंगी, अभी आपको खड़ा करा देंगी, अभी आपको चलवा देंगी, अब बैठना पड़ेगा। मतलब मुझे लगा कि अरे बाप रे, अब क्या हो गया, ना नीचे धरती है ना ऊपर आकाश है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे करूँगी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फ्रेंड्स सॉरी, वीडियो थोड़ी सी बीच में रुक गई थी क्योंकि मेरी बेबी जो है वो उठ गई थी, तो फिर थोड़ा मैं उसमें बिजी हो गई और मैं फिर बाद में थोड़ी देर बाद वीडियो ये बना रही हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, मतलब पीछे की क्या कहते हैं कि वो आई सुबह मेरे कपड़े चेंज कराने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अब आपको करवट लेना है, तो मैं कही अरे मैं हिल नहीं पा रही हूँ तो मैं करवट कहाँ से, तो उन्होंने कहा कि नहीं लेना है आपको, अभी तो बैठना है और फिर अभी आएंगी डॉक्टर तो आपको चलवाएंगी, तो कैसे करेंगी, नॉर्मल का पेन कैसे सहती, ये वो पता नहीं क्या क्या वो बोल रही थी। तो फिर किसी तरह मैंने कहा कि मैं नहीं ले सकती, मेरी हिम्मत ही नहीं है लेने की। तो उन्होंने पता नहीं कैसे मुझे एक साइड किया, तो मेरे कपड़े वो उतारे जो हॉस्पिटल की साइड के थे, वो फिर दूसरी साइड करके उतारे, फिर कैसे उन्होंने मुझे मेरे कपड़े पहनाए सब कुछ, और जो नीचे पैड वैड होता है वो सब उन्होंने चेंज किया। मैं लेटी ही थी, मैं नहीं उठ पाई उस समय। फिर जो डॉक्टर थी, जो सब BP लेने आती हैं, वो आई तो उन्होंने कहा कि आपकी BP लेनी है, तो मैंने कहा कि आप ऐसे ही ले लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं उठ के आप बैठिए, बिना बैठे मैं लूँगी नहीं। मतलब उठ के बैठना मेरे लिए जैसे कि एक बहुत बड़ा टास्क था कि मैं नहीं बैठ सकती थी, मेरे अंदर था कि मैं बैठ ही नहीं सकती, मैं हिल ही नहीं सकती, मुझे इतना ज़्यादा पेन, मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे इतना ज़्यादा पेन है। तो फिर उसमें से एक डॉक्टर ने कहा कि आप इनके लिए बेल्ट लेके आइए, इनको बेल्ट लगाइए और बेल्ट लगा के इनको उठाइए। तो फिर मेरी मदर वहाँ पर थी, वो बेल्ट लेके आई, फिर मुझे वो बेल्ट लगाया गया और फिर मुझे कहा गया अब आप उठिए, आपको सपोर्ट मिलेगा इससे। फिर भी मैं नहीं उठ पा रही थी, फिर दो लोगों ने मुझे पकड़ के कैसे क्या करके मुझे उठाया, मतलब मुझे लगा कि मेरी जान निकल गई यहाँ पे। और मैंने उस समय कहा कि बस भगवान, ये बस अब इसके बाद मुझे बच्चा नहीं पैदा करना है, मतलब वो पेन ऐसा पेन था। बैठ तो मैं गई, बैठने के बाद थोड़ा रिलैक्स, मतलब
जब उठ के बैठने में जो पेन था, फिर बैठ गई तो थोड़ा सा स्थिर हुई, नॉर्मल हुई। फिर उन्होंने कहा कि पैर चलिए नीचे रखिए, अब उतरना है आपको, चलना है। मतलब वो हर एक स्टेप जैसे वो कुछ आगे करने के लिए कह रही थी। तो मैं पहले ही सोच ले रही थी कि मुझसे ये होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। कैसे कैसे करके मैंने नीचे पैर रखा, और जब पैर नीचे रखा तो लगा कि मतलब कि बहुत ज़्यादा वो पैर जैसे रखा ही नहीं रहा था नीचे। और मेरी मैंने एक गलती की थी कि मैं थोड़ा सा झुकी हुई थी, मतलब जैसे कि ना लग रहा था कि थोड़ा सा झुकी हूँ तो मेरे पेट पे जोर नहीं पड़ रहा। ये तो वो बार बार मुझसे कह रही थी, आप थोड़ा टाइट होइए, सीधी खड़ी हुई है तो आपको कम पेन होगा। लेकिन मैं सीधी खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। एक मन में एक वो डर था, एक मतलब कि अजीब सा डर था कि नहीं मैं ऐसे होंगी तो कुछ गलत हो जाएगा, नहीं और दर्द होगा, ये मन में मेरे डर था। जबकि शायद ऐसा नहीं होता। जब मैं नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं सीधे थोड़ी सी खड़ी हुई ना, तो मुझे फील हुआ कि हाँ पेन थोड़ा सा कम मुझे हो रहा है। बट वो फर्स्ट डे मैं वो गलती कर रही थी कि मैं झुकी झुकी चल रही थी, तो उसे मुझे ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर उन्होंने कहा चलिए अब आपको चलना है, और वो चलना, फिर एक लगा कि एक स्टेप और आ गई है मुझसे कह रही चलने के लिए, मैं कैसे चलूं। बट वो मुझे पकड़ के लेके गई, धीरे धीरे मैंने चला, 10 से 15 कदम चला, 20 कदम चला, ऐसे करके चला। फिर वो लेके आई, मुझे बैठा दी कुर्सी चेयर पे और कहा कि अब आप जो भी थोड़ा सा चाय बिस्किट लेना है ले लीजिए, और फिर मैं आऊँगी दोपहर में, फिर चलना है। और वो सुन के जैसे मेरी सांस और हो गई कि अरे बाप रे अभी फिर मुझे चलना है। बट मैं आपसे ये कहूँगी पेन तो था, देखिए हो सकता है औरों को ना होता हो बट मुझे हुआ था। बट वो पेन जैसे मेरी 10 को डिलीवरी हुई थी, तो 10 की रात का जो पेन था और 11 को जो पेन था, 11 तारीख को जो पेन था, उससे थोड़ा सा कम पेन 12 को था। ऐसा नहीं था 12 को सेम पेन था, नहीं, 12 को मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ था। हाँ, जब मैं लेटी रहती थी, लेट के उठती थी बैठती थी, तो वो उस समय थोड़ा सा पेन फील होता था। बट मैं जब बैठ जाती थी तो मुझे नॉर्मल फील होता था। और जैसे मैंने 11 को क्या कहते हैं, मैं 10 से 15 कदम चली थी, तो मैं 12 को क्या कहते हैं, मैं आराम से 20-25 कदम आराम से चली थी, तो मुझे उतना पेन नहीं हो रहा था। ऐसे एक एक दिन कर कर के थोड़ा सा पेन कम होता गया, और मैं फिर अपने आप से चलने लगी। 13 तारीख को तो मैं अपने आप से ही उठ के, मतलब उठने में थोड़ा सा मुझे हेल्प चाह रही थी वहाँ, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल का बेड होता है ना, वो बहुत ऊँचा होता है, तो हम अपने से वहाँ पर नहीं उठ पाते और ना बैठ पाते, हमें किसी की हेल्प चाहिए। और तो 13 को मैं अपने से ही उठ के गई, थोड़ा चल के कदम आई, फिर बैठी, और मैं वॉशरूम भी, 11 को उन्होंने मुझे वॉशरूम जाने में हेल्प की थी, बट 12-13 को मैं वॉशरूम अपने से ही अकेले जाती थी, बैठती थी, उठ के आती थी। तो 12-13 से मतलब धीरे धीरे शरीर हमारी नॉर्मल होने लगती है। और 14 को मतलब 14 को मैं अपने घर आ गई थी, और घर का जो हमारा बेड होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है, तो वहाँ पर हम अपने से आप से बैठ सकते हैं, अपने आप से उठ सकते हैं। बट मैं रियल बताऊँ तो हाँ, उठने जैसे मैं लेट जा रही थी, तो फिर लेट के उठने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। बाकी मैं 14-15 से जब मैं अपने घर आ गई थी, तो मैं आराम से बेल्ट लगा के अपना चलती थी, अपने बेबी का काम करती थी, उसकी पॉटी शॉप करती थी, बैठ के उसे फीडिंग कराती थी, सब कुछ ये मैं 14 से करना स्टार्ट कर दी थी। और मैं खुद बेल्ट लगा के चलने लगी थी, अच्छा खासा मैं चलने लगी थी। तो जो मुझे पेन था वो 10 की रात से स्टार्ट था, और 11-12 को वो जो पेन था फिर धीरे 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 नॉर्मल होता गया। और कितने दिन में मैं नॉर्मल हो पाई, कैसा पेन क्या था, वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और बाकी मेरी यही जर्नी थी हॉस्पिटल से घर आने तक की, बाकी मैं कितने दिन में रिकवर हो पाई अच्छे से। और अभी आज 1 महीना 1 दिन हो गया है मुझे, और अभी भी मेरी बॉडी में क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम है, ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी मेरा जो सी सेक्शन का एक्सपीरियंस था यही था। बट मैं कहूंगी बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। पेन तो देखिए नॉर्मल में भी होता है और इसमें भी होगा, पेन दोनों में होता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल में शायद ज़्यादा पेन होता होगा, मुझे ऐसा फील होता है। बट हाँ, सी सेक्शन में भी जो नेक्स्ट डे जब आपका एनेस्थीसिया का असर कम होता है, वो पेन भी मेरा सहने लायक नहीं था। बट हाँ, ऐसा भी नहीं था कि मैं चिल्ला रही थी, आंसू गिर रहे थे, ये भी नहीं था, ये भी मैं झूठ नहीं कहूँगी। बट हाँ, पेनफुल था। बट मैं ये भी कहूँगी 10, 11, 12 वो 3 दिन थोड़े से पेनफुल रहते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है वो एडजस्ट होने लगती है, हम रिकवर धीरे धीरे होने लगते हैं, चलने फिरने लगते हैं, अपना काम करने लगते हैं। बाकी मुझे नॉर्मल का एक्सपीरियंस नहीं पता है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि नॉर्मल में जिनको पेन उठता होगा वो थोड़ा ज़्यादा उठता होगा। बाकी अगर सी सेक्शन है, अगर आप कराना चाहती हैं तो करा सकती हैं, बट मैं कहूँगी कि नहीं, नॉर्मल अच्छा है, नॉर्मल आप करिए, कम से कम आप अपनी बेबी के लिए खुद से उठ के बैठ सकते हैं। बाकी चलिए, आगे की जो और इन्फॉर्मेशन है वो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।